आज जानेंगे अमेरिका की डार्क रियलिटी के बारे में। इस 33.19 करोड़ की पॉपुलेशन वाले सो कॉल्ड मॉडर्न अमेरिका में 3.78 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। क्रिमिनल डेटा कलेक्ट करने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट दो सोर्सेज का इस्तेमाल करती है, FBI एंड BGS। 1992 में अमेरिका में रिकॉर्डेड वायलेंट क्राइम 1.93 मिलियन थे एंड 2024 में 1.15 मिलियन। रेप केसेस 1,33,294। टेक्सिस के स्कूल में मास शूटिंग होने की वजह से 19 बच्चों की मौत हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या हॉलीवुड की, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया की इमेज कुछ इस तरह दिखाते हैं। So, we have the Trillion Trees program. We have so many different programs. I do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia, look at India. It's filthy. जहाँ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, हल्का होने के लिए टॉयलेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि इंडियंस खुश भी नहीं है। अब ये सब तो आपने हॉलीवुड में देख ही लिया होगा, इसीलिए आज हम जानेंगे अमेरिका जैसे मॉडर्न सुपर पावर कंट्री के डार्क रियलिटी के बारे में, जिसे कि कभी भी हॉलीवुड में दिखाया नहीं जाता। अमेरिका की आसमान छूती इमारतें दुनिया में मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट को दिखाती हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं एंड अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 33.19 करोड़ है। इस 33.19 करोड़ के सो कॉल्ड मॉडर्न अमेरिका में 3.78 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पॉवर्टी इन अमेरिका। 2022 के US सेंसस के हिसाब से 12.4% ऑफ अमेरिकन्स पॉवर्टी में रहते हैं और US सेंसस मतलब एक्चुअल डेटा इससे कहीं बड़ा होगा। अमेरिका में अगर पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है अमेरिका में होमलेस लोगों की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अमेरिका में लगभग 5,00,000 से ज़्यादा लोग हर रात रोड के किनारे स्ट्रीट्स में सोने में मजबूर हैं और ये होमलेस लोग आपको 20 शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका के गरीब लोगों को देखेंगे तो उनकी हेल्थ गरीबों जैसी नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया जैसे देश में गरीबों को समय पर खाना ना मिलने की वजह से उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इंडिया में गरीबों को खाना ज़्यादातर मंदिरों या गुरुद्वारों के पास ही मिलता है, या फिर जो लोग गरीबों को खाना बांटते भी हैं वो खाना भी घर में बना हुआ ही होता है, लेकिन अमेरिका में गरीबों को ज़्यादातर पैकेट फूड ही खाना पड़ता है और जो लोग गरीबों को खाना बांटते भी हैं वो लोग भी ज़्यादातर पैकेट फूड ही देते हैं। इसीलिए अमेरिका में ज़्यादातर गरीब मोटे ही होते हैं, उनकी बॉडी में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमेरिका में गरीबी होने के कारण क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है और यही हमारा सेकेंड पॉइंट है। अमेरिका में क्राइम के रिकॉर्ड को लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट के बाद दो सोर्सेज हैं, पहला फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और दूसरा ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स BJS। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट अपने काम करने के तरीके की वजह से इनकम्प्लीट पिक्चर देते हैं। अगर FBI को देखें तो FBI पब्लिश करती है उस रिकॉर्ड को जो कि रिकॉर्ड हुआ है और FBI का डेटा आता है अमेरिका के अलग अलग फेडरल स्टेट्स एंड सिटीज से, लेकिन FBI उस क्राइम को रिकॉर्ड नहीं कर पाती जो कि हुआ तो है लेकिन कभी पुलिस के रिकॉर्ड्स तक पहुंचा ही नहीं। और ऐसे ही क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है BJS का, जिसमें सर्वे के जरिए 12 साल या 12 साल से बड़े लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उन्होंने पिछले 6 महीने में कोई क्राइम फेस किया है। अब BJS की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, जिसमें BJS वर्क करेगा प्रॉपर्टी क्राइम के लिए, मर्डर या रेप जैसे सीरियस क्राइम को BJS बात करके या सर्वे से नहीं पता लगा सकता। वायलेंट क्राइम की बात करें तो वायलेंट क्राइम में मर्डर, नॉन नेग्लिजेंट मास स्लॉटर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, रॉबरी, एग्रीवेटेड असॉल्ट ये सब गिना जाता है। इन सब क्राइम से रिलेटेड किसी भी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो हर एक रिपोर्ट को 1992 या 1990 से कंपेयर किया गया है, जिससे कि ये प्रूफ किया जा सके कि अमेरिका में क्राइम रेट पहले के मुकाबले आज के समय काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल FBI की ये रिपोर्ट, जिसमें 1992 में वायलेंट क्राइम 1.93 मिलियन था, इसे कंपेयर किया गया 2014 से जहां वायलेंट क्राइम 1.15 मिलियन था। इसके अलावा सबसे टॉप की लाइन पढ़ेंगे तो पहले ही ये बता दिया गया कि 2022 में वायलेंट केस कम है 2021 के मुकाबले, लेकिन इसी डेटा को ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका में सिर्फ 2022 में मर्डर केसेस 21,156 थे, रेप केसेस 1,33,294, रिपोर्टेड रॉबरी 2,20,450, एग्रीवेटेड असॉल्ट 8,93,980 और अमेरिका की मास शूटिंग जिसके बारे में हमेशा बात होती है, सिर्फ 2022 में 3,179 लोगों को गन से शूट किया गया था, जिसमें 637 लोगों की इंस्टेंट डेथ हुई थी और लगभग 2,500 लोग सीरियस इंजर्ड हुए थे। और सेम ऐसे ही 2021 में गन के जरिए होने वाले मर्डर्स के केसेस 20,726 थे और ये सारा डेटा US गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, तो नॉर्मल सी बात है एक्चुअल डेटा इससे कहीं ज़्यादा होगा। सेम ऐसे ही 25 में 2022 को US के टेक्सिस में मास शूटिंग का केस हुआ था, जिसमें 19 स्टूडेंट्स और 2 एडल्ट्स की जान गई थी, जिसमें सेल्वाडोर रामोस नामक व्यक्ति ने स्कूल में जाके बच्चों को शूट कर दिया था। सेल्वाडोर रामोस जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग आपको हर देश में मिल जाएंगे, लेकिन हर वो व्यक्ति गन लेके लोगों का मर्डर नहीं करता। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि दुनिया के लगभग हर देश में वेपन्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक नॉर्मल 18 प्लस व्यक्ति आसानी से गन परचेज कर सकता है और यही हमारा थर्ड पॉइंट है।
दुनिया भर में आपको गन से रिलेटेड बहुत से कानून मिलेंगे। अपने इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में आर्म एक्ट 1979 के तहत फायर आर्म लाइसेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आता है प्रोहिबिटेड बोर, जिसके अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक गन होती है। ये गन्स आम लोगों को रखने की इजाजत नहीं होती। दूसरा नॉन प्रोहिबिटेड बोर, जिसमें वो गन्स आती हैं जो आम जनता अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रख सकती है, जैसे कि रिवॉल्वर, पिस्टल या स्पोर्ट राइफल। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपको सेकेंड अमेंडमेंट मिलेगा। सेकेंड अमेंडमेंट अमेरिका के नॉर्मल सिटीजन्स को अपने प्रोटेक्शन के नाम पे ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक गन खरीदने की इजाजत देता है। अमेरिका के अंदर एक और बहुत सीरियस टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ड्रग एडिक्शन। अमेरिका की आम जनता में ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार 19.7 मिलियन अमेरिकन जिनकी एज 12 या 12 से ऊपर है, वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें लीगल या इनलीगल ड्रग यूज करने की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होता है। व्यक्ति का दिमाग या बिहेवियर कंट्रोल में नहीं रहता। इसी तरह 74% अडल्ट सफर कर रहे हैं अल्कोहल से होने वाले सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से। ड्रग एडिक्शन से अमेरिकन इकोनॉमी को होने वाले लॉस की बात करें तो 2017 में प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर एक्सपेंस एंड क्राइम रिलेटेड कॉस्ट लगभग $74 बिलियन थी। इन सबके अलावा 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 4% अमेरिकन एडोल्सेंट पॉपुलेशन जिनकी एज सिर्फ 12 से 17 साल है, ये सब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग जैसे कोकीन, हेरोइन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मारियोना, जिसे इंडिया में गांजा या माल भी कहा जाता है, इन सब ड्रग्स का डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका में इन सब ड्रग से खतरनाक एक ड्रग है, ज़ाइलिन। ज़ाइलिन एक ऐसा ड्रग है जो कि लोगों को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर रहा है। ज़ाइलिन जैसे खतरनाक ड्रग को फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल्स में पेन रिलीफ के लिए यूज करने से बैन कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी 2014 में ज़ाइलिन ओवरडोज के केसेस बढ़कर 20,000 के पार चले गए थे। लेकिन अब 2019 में इनलीगल ड्रग से होने वाली डेथ 3% से बढ़कर 2022 में 19% हो गई है। आज के टाइम पे ज़ाइलिन एडिक्टेड लोग अमेरिका में आपको नॉर्मली घूमते हुए दिख जाएंगे। अब अमेरिका का ड्रग एडिक्शन हो या स्कूल में छोटे बच्चों पे होने वाली मास शूटिंग, ये सब पार्ट है अमेरिका के डार्क साइड का। ये वही अमेरिका है जो दुनिया को बताता है कि अलग अलग कंट्रीज को अपनी डेमोक्रेसी कैसे रन करनी चाहिए, क्राइम एक्टिविटीज पे कैसे काम करना चाहिए। अमेरिका को दुनिया की फिक्र छोड़ के अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, अपने देश की प्रॉब्लम को दुनिया से छुपाए बिना उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।